आपको दुख नहीं होता कि रिवर फ्रंट जिन्होंने कहा नदियां साफ कर देंगे, रिवर फ्रंट कैसा बर्बाद पड़ा हुआ है बताइए आप। जब इनको अपने आयोजन करने होते हैं तो साफ सुथरा कर लेते हैं, क्या आपने आंखों से नहीं देखा आपने? और फिर आपकी हिम्मत नहीं होती ये पूछने के लिए कि बुंदेलखंड में मिसाइल कब बनेगी। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आप बुंदेलखंड में गए और कहा कि मिसाइल बनेंगी, बताओ मिसाइल कब बनेंगी आप बताओ हमें? कोई अगर मिसाइल बन गई हो तो बताओ हमें, क्या आप नहीं पता आपको? और इसीलिए डेलॉयट को 300 करोड़ दे दिए और आपको भी पैकेज दे दिया। इसीलिए आप भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो कि मैंने सवाल किस पे पूछा था। मैंने ये पूछा था कि 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं आप? आप एक तरफ तो टैबलेट देना चाहते हो, लैपटॉप भूल गए आप, तो आप आबादी पे बात करना चाहते हो? जिस दिन आप पढ़ा लिखा दोगे और नौकरी रोजगार दे दोगे उसी दिन आबादी कम हो जाएगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जब मुख्य तो आबादी बताते हैं, इसीलिए चुनाव आ गए हैं, इसी तरह की रिपोर्ट आएंगी। मैं चाहता हूं आप अपनी प्रेस में ले जाओ उनको भी। कभी कभी व्यक्तिगत और पारिवारिक कुछ इस तरह के मसले होते हैं जिस वजह से कई लोग नहीं सदन पहुंच पाते। इंडिया और पीडीए, इंडिया के अंडर पीडीए, आपको जनेश्वर मिश्र पार्क जाना चाहिए। जनेश्वर पार्क में जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा लगी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया पीडीए के पक्ष में। मोहन सिंह जी पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया पीडीए को आगे बढ़ाने में। ब्रजभूषण तिवारी जी, एक लंबा इतिहास हम उत्तर प्रदेश का और समाजवादियों को बता सकते हैं, पीडीए पे कभी नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि ये पीडीए वालों को शूद्र समझते हैं, इसलिए पीडीए का जवाब इनके पास नहीं है। जिन्होंने बोला है उनसे कहिए कि वाइस चांसलर में पीडीए कहाँ है? जितने भी वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें पीडीए कहाँ है? सरकार बता दे हमें।